हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्पार्क लाइन के बारे में। तो स्पार्क लाइन भी एक मिनी चार्ट ही होता है जो आपके एक सेल में रिप्रेजेंट होता है। इसका कोई प्लॉटिंग एरिया नहीं होता है चार्ट की तरह, और ये आपके छोटे डेटा को थोड़ा रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि स्पार्क लाइन कहाँ पर मिलता है। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट ग्रुप के अंदर जाना है, और चार्ट वाला जो ग्रुप है उसी की राइट साइड में आपको स्पार्क लाइन ग्रुप मिल जाता है। तो आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये है आपका स्पार्क लाइन ग्रुप। और इसके अंदर आपको तीन टाइप के स्पार्क लाइन्स मिलते हैं। फर्स्ट इज लाइन, एंड सेकंड वन इज कॉलम, एंड लास्ट वन इज विन एंड लॉस। तो ये आपका ग्रुप है जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सिंपली चूज करना है किस टाइप का स्पार्क लाइन आप ड्रॉ करना चाहते हो। जिस तरह से आप चार्ट ड्रॉ करने से पहले डिसाइड करना होता था, ऐसे यहाँ पे भी आपको चूज करना है। सपोज मैं लाइन चार्ट ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। तो कह रहा है चूज द डेटा डेट यू वांट। तो जिस डेटा का आप स्पार्क लाइन इंसर्ट करना चाहते हो वो चूज करें। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कह रहा है लोकेशन वेयर यू वांट टू प्रीव्यू योर स्पार्क लाइन। तो आप कहीं पे भी, जहाँ पे भी अपना स्पार्क लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और देन आपको कर देना है सिंपली ओके। एंड ओके करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे स्पार्क लाइन ड्रॉ हो गया है। तो स्पार्क लाइन काम कैसे कर रहा है, तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे 349 वैल्यू है, देन 437 है। तो देखो 347 इज स्मॉलर देन दिस, एंड 320 इज स्मॉलर देन 437। सो दिस विल बी राइजिंग एंड दिस विल बी ग्रेजुअली डाउन। तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग इंक्रीज एंड डिक्रीज, छोटा सा आपका प्लॉटिंग एरिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप इसका विड्थ बढ़ाओगे तो आपका जो स्पार्क लाइन है उसका विड्थ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही गाइज आप यहाँ पे स्पार्क लाइन वाले सेल पे क्लिक करोगे, तो आपको एक और न्यू मेन्यू ओपन होके दिख जाएगा, स्पार्क लाइन मेन्यू। इसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो फर्स्ट आपको दे रखा है एडिट डेटा। तो यहाँ से आप अपने डेटा को एडिट कर सकते हो जो भी आपने चूज किया था स्पार्क लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो फर्स्ट वन यहाँ से आप ये चूज कर सकते हो अगर आपने डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं तो। सेकंड यहाँ पे आपको टाइप ग्रुप दे रखा है, इसके अंदर तीनों टाइप के आपको स्पार्क लाइन विजिबल हो जाते हैं। तो जो भी स्पार्क लाइन आपको चाहिए अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कॉलम से रिप्रेजेंट करके दिखाया जा रहा है। थर्ड में आपको विन एंड लॉस दे रखा है, तो ये भी आप चेंज कर सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे लाइन पे क्लिक करूँ और नेक्स्ट ग्रुप में आप यहाँ पे आके देखोगे, तो यहाँ पे आपको दे रखा है शो। शो ग्रुप के अंदर आपको हाई पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव वैल्यू मेंशन नहीं हो रखी है, तो आप हाई पॉइंट पे क्लिक करोगे तो देखो सबसे हाई जो वैल्यू है वो आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। रेड कलर का पॉइंट आपको शो कर रहा है, मे भी आपको दिख रहा हो। ओके, सो अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो आपका पॉइंट जो है हाई से हट जाएगा। सेम अगर आप सबसे कम वैल्यू वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो यहाँ पे लो पॉइंट पे क्लिक करिए, और आप यहाँ पे देखोगे जो लो पॉइंट है, जो सबसे कम वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, थर्ड इज द स्मॉलेस्ट वन। तो यहाँ पे आपका 320 वैल्यू है, तो ये सबसे कम वैल्यू है। और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू के लिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बट हमारी रेंज के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो अभी यहाँ पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ओके, एंड फर्स्ट एंड लास्ट। तो फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड चाहे वैल्यू कुछ भी हो वो आपका पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। ऐसे सेम आपका यहाँ पे लास्ट भी दे रखा है। और अगर आप मार्कर ऑन करते हो, डेट इज द वेस्ट सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आप देखो सिंपली पॉइंट्स आपके बन जाएंगे जहां जहां पे ड्रॉ हो रहा है। तो 349 को ये वाला पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, 437 को ये वाला, एंड 320 को ये वाला, बाकी ऐसे सेम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज द मार्कर। तो ये बेस्ट काम कर रहा होता है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टाइल्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे प्री डिफाइंड स्टाइल भी चूज कर सकते हो, एज वेल एज आप यहाँ पे अपनी तरफ से स्टाइल्स भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आपको स्पार्क लाइन का कलर दे रखा है, जो भी कलर आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे को रेड चाहिए, तो रेड कलर आ गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है मार्कर कलर, और मार्कर कलर में आपको ये सारे जो ऑप्शंस हैं वो भी दिख जाएंगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स के लिए क्या चाहिए, देखो मार्कर मेरे को चाहिए मान लो ग्रीन कलर का, तो आप देखोगे यहाँ पे पॉइंट्स जो है वो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको सेम दे रखे हैं, फर्स्ट लास्ट वो पॉइंट्स का जो कलर है वो आप दिखा सकते हो। अब मेरे को मान लो यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए फर्स्ट के लिए, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे फर्स्ट पे और ब्लैक पे क्लिक कर दूंगा। तो आप यहाँ पे देखोगे जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो ब्लैक से रिप्रेजेंट हो रहा है। सेम आप लास्ट के लिए कर सकते हो, एंड आप यहाँ पे नेगेटिव एंड लो पॉइंट के लिए भी सेम कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे एक्सेस दे रखा है, तो यहाँ पे आप एक्सेस भी चूज कर सकते हो, कौन सी एक्सेस के थ्रू आप स्पार्क
स्पार्क लाइन ड्रॉ करना चाहते हो। अब दोस्तों अगर मैं सभी का स्पार्क लाइन चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको ड्रैग कर दूंगा जो कि नॉर्मल आपका एक्सेल फीचर ही है। तो इस तरीके से सभी सेल्स का स्पार्क लाइन आपका यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। बट ये हमेशा ग्रुप में आता है, देखो मैं सिंगल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका ये पूरा ग्रुप है। तो इसको हम अनग्रुप भी कर सकते हैं, बट क्यों हम अनग्रुप क्यों करेंगे, तो देखो यहाँ पे अगर मैं स्पार्क लाइन को सिलेक्ट करके और मैं अगर इसे इधर की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे सेम ही जो स्पार्क लाइन है वो ड्रॉ हो रहा है। बट मैं अगर इसको चेंज करना चाहूँ तो देखो दोनों ही चेंज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि दीज आर कम फ्रॉम ग्रुप्स। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसको ग्रुप से अनग्रुप करना होगा। तो आप यहाँ से अनग्रुप कर सकते हो, अभी मैंने अनग्रुप कर दिया तो दिस स्पार्क लाइन इज सेपरेट फ्रॉम अदर स्पार्क लाइन्स। तो मैं अगर इसको अभी यहाँ पे ड्रैग करूँ इधर की तरफ तो ड्रैग करने के बाद स्पार्क लाइन तो सेम ही आएगी, बट मैं इसको क्या कर सकता हूँ, फिर से अनग्रुप करूंगा और मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। देन यू कैन ड्रॉप ड्रैग एंड ड्रॉप योर स्पार्क लाइन। तो आप यहाँ पे देखोगे इधर हमने लाइन चार्ट बना दिया और इधर हमने यहाँ पे कॉलम चार्ट बना दिया। तो ये आपका डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट को हाइट कर शो कर रखा है तो वो ब्लैक कलर से हो रहा है, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम यहाँ पे अगर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, हाई एंड लो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो दिस विल बी हेल्पफुल वैन यू आर ड्राइंग सम कंपेरिजन डेटा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे फर्दर ग्रुप करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे डेटा अन ग्रुप है, ठीक है। तो फर्दर ग्रुप करना है, सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से क्या कर देना है, ग्रुप कर देना है। अब चार जो स्पार्क लाइन्स हैं उसको आप डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते, जस्ट लाइक चार्ट। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो देखो मैं डिलीट बटन प्रेस भी कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, बट फिर भी डिलीट नहीं होगा। तो इसको हमें किस तरीके से हटाना होगा स्पार्क लाइन को, तो आपको स्पार्क लाइन मेन्यू पे जाना है और क्लियर के ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, फर्स्ट वन इज क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन्स, मतलब जो सेल सेलेक्ट कर रखे हैं सिर्फ वहीं से हटाएगा, और फिर कह रहा है क्लियर सिलेक्टेड स्पार्क लाइन ग्रुप, तो जो ग्रुप है वो पूरा ग्रुप आपका क्लियर कर दिया जाएगा। देखो ये क्लियर हो गया। सेम आपको अगर ये भी क्लियर करना है तो आप यहाँ पे जाइए और क्लियर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप स्पार्क लाइन को यूज कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना बोले।